मॉडल सेट पैटर्न 2023 का जो फॉर एग्जामिनेशन का है, तो इसी तरह के सवाल जो आप लोग को जो है पूछे जाएंगे क्लास 8 का फाइनल एग्जाम में जो 13 अप्रैल से होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका हो जाएगा घर नंबर वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद है दो नंबर, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, स्कॉटलैंड का निवासी था। तीन नंबर का प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो आप लोग का जाएगा बी नंबर, लॉर्ड डलहौजी। चार नंबर है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान आप लोग का हो जाएगा सी नंबर, मैसूर का शासक था। पाँच नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो आप लोग का हो जाएगा सी नंबर, मद्रास और मुंबई। छः नंबर है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो डी नंबर हो जाएगा, हॉल्ट मैकेजी। सात नंबर है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह ए नंबर हो जाएगा 1831 से 1832। आठवां, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, ख नंबर हो जाएगा सिद्धू कानू ने। नौ नंबर है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर, मुंबई में। दस नंबर होगा, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का जाएगा क नंबर, सिपाही विद्रोह के नाम से। ग्यारह नंबर है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, विश्वनाथ सहदेव। बारह नंबर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तेरह नंबर है, भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका तेरह नंबर का, आप लोग का हो जाएगा ख नंबर, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। चौदह नंबर है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो आप लोग का हो जाएगा डी नंबर, लॉर्ड विलियम बैटिंग। पंद्रह नंबर है, हिंदू विविधा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आप लोग आएगा सी नंबर, 1856 ईस्वी में। सोलह नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्रह नंबर है, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? आप लोग का हो जाएगा ग नंबर, दादा भाई नौरोजी। अठारह नंबर है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग का हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा आप लोग का। उन्नीस नंबर है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ख नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। बीस नंबर है, 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? आप लोग का हो जाएगा घ नंबर, जयपाल सिंह मुंडा। 21 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ग नंबर, भारत का। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग का हो जाएगा बी नंबर, ख नंबर 6। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो आप लोग का हो जाएगा 24 का, ग नंबर, 5 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम था? आप लोग का हो जाएगा ख नंबर, प्रतिभा सिंह पाटिल। 26 स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो आप लोग का हो जाएगा क नंबर, 1952 में। 27 नंबर है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चय की गई है? तो आप लोग का हो जाएगा इसमें से
सी नंबर 552। 28 नंबर है, भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? भारत का शीर्ष न्यायालय है बी नंबर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। 29 नंबर है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? सी नंबर जाएगा 24। 30 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? लगा जाएगा ए नंबर 17। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो आप लोग का हो जाएगा 31 का डी नंबर, यानी कि घ नंबर 32, 32 निवासियां जनजात करती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-02 से की गई थी। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तब लोग आ जाएगा घर नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तब लोग का हो जाएगा घर नंबर 31 मई। 25 नंबर, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तब लोग का हो जाएगा घर नंबर 1098। 25 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक जैव संसाधन है। 37 नंबर है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो उसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर वास्तविक संसाधन। 38 नंबर है, निम्न में से कौन नवीनीकरणीय संसाधन है? तो आप लोग का हो जाएगा घ नंबर जल। जल जो है फिर भाप बन के बादल बनता है, समुद्र में जाता है, भाप बनता है, बादल बनता है, फिर बारिश हो जाता है। 39 नंबर है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो गोवा नंबर हो जाएगा आप लोग का लातेहार। 40 नंबर है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो आप लोग का हो जाएगा कौन नंबर वनोन्मूलन। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनांच्छादित है? तो आप लोग आ जाएगा ख नंबर 29%। 42 नंबर है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा बी नंबर कोयला का। 43 नंबर है, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर रानीगंज में। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर पटसन। 45 नंबर है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा घ नंबर झूम। 46 नंबर, चीनी उद्योग का कच्चा माल है? तो चीनी उद्योग चीनी किसे बनता है? गन्ना से। कौन हो जाएगा? गन्ना। 47 नंबर है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो आप लोग का हो जाएगा ए नंबर प्राथमिक। 48 नंबर है, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का मुरी ख नंबर हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप लोग का हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा आप लोग का ये ख नंबर हो जाएगा 382। 50 नंबर, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो आप लोग का हो जाएगा 50 का ख नंबर मृत्यु, क्योंकि अगर आदमी का मृत्यु ही नहीं होगा तो वो जनसंख्या क्या बढ़ते जाएगा, कभी जो है इतना जनसंख्या हो जाएगा कि जो है भारत में जो है जगह नहीं बसेगा, इसलिए मृत्यु जनसंख्या का परिवर्तन का कारक नहीं है मृत्यु। तो आज हम लोग मॉडल सेट पेपर जो 2023 का क्लास 8 का जो हम लोग कर लिए हैं, तो इसी तरह के प्रश्न जो है आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को 8 क्लास के शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।